हे गाइज, मेरा नाम देवबिंद और आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल टेकदेव में स्वागत है। तो दोस्तों, ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का ट्यूटोरियल नंबर 4। अगर आप ट्यूटोरियल नंबर 3 नहीं देखें तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर भी क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको अपना स्टार्ट करना है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड सॉफ्टवेयर। अगर आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके उस सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर सकते हैं और इजली इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ओके, इंस्टॉल करने के बाद आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन भी ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे फॉर्मेटिंग टूल बार के बारे में। ओके, तो जो है यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग टूल बार होता है ये पेज के टॉप साइड में हमेशा होता है। ठीक है, तो मैंने इसको ड्रैग करके इस पेज के ऊपर ला दिया ताकि आपको यहाँ पे दिखे पूरा ये। ओके, तो ये है फॉर्मेटिंग टूल बार। तो आज की इस वीडियो में हम फॉर्मेटिंग टूल बार के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने पेज पे कुछ ना कुछ यहाँ पे टाइप करना है। तो मैंने यहाँ पे नाम टाइप कर दिया कोई भी, जैसे कि यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया टेक देव। ओके, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल बार में फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया स्टाइल। ओके, तो स्टाइल के अंदर देखिए क्या क्या मिलता है आपको। स्टाइल के अंदर आपको यहाँ पे हेडिंग्स मिलेंगी, इसके बाद आपको यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग और यहाँ पे नॉर्मल्स के ऑप्शन भी मिलेंगे। तो जो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2003 में जो हेडिंग होती है वो होती है 3 टाइप्स ऑफ हेडिंग। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसका नाम यहाँ पे टाइप कर दिया। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ हेडिंग। ओके, पहली जो हेडिंग होती है उसका नाम है हेडिंग 1, इसके बाद हेडिंग 2 जो होती है वो उसका नाम यहाँ पे हेडिंग 2 ही है, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जो होती है उसको कहते हैं हेडिंग 3। ओके, जो यहाँ पे हेडिंग 1 आपको दिख रही है ये सबसे बड़ी होती है, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया बिगेस्ट या तो बिग। ओके, इसके बाद यहाँ पे जो हेडिंग 2 आपको दिख रहा है, ठीक है, ये स्मॉल होता है, हेडिंग 1 से छोटा होता है, ठीक है, और हेडिंग 3 से बड़ा होता है। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया इसका नाम स्मॉलेस्ट। इसके बाद यहाँ पे जो हेडिंग 3 है ये हेडिंग 1 और हेडिंग 2 से सबसे छोटी होती है, तो यहाँ पे मैंने इसका नाम टाइप कर दिया स्मॉल। ओके, ये सबसे छोटी होती है। इन सभी का शॉर्टकट की भी होता है, तो यहाँ पे जो हेडिंग 1 है इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस, यानी कि CTRL+ Alt+1, ये हेडिंग 1 का शॉर्टकट। इसके बाद जो हेडिंग 2 है इसका शॉर्टकट है CTRL+Alt+2। ओके, इसके बाद लास्ट में यहाँ पे दिया है हेडिंग 3, तो इसका शॉर्टकट है CTRL+Alt+3। ओके, तो इन सभी का ये शॉर्टकट है। इसके बाद यहाँ पे जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है ये होती है हेडिंग 1। ओके, तो सबसे पहले आप जो है अपने नाम को सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे जो टेक देव नाम लिखा था इसको किया यहाँ पे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है स्टाइल में। स्टाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पे हेडिंग 1 के ऊपर या तो हेडिंग 2 के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा नाम है ये हेडिंग में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अगर इसको हेडिंग से हटाना है, ठीक है, रिमूव करना है, तो उसके लिए आपको फिर से टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको फिर से यहाँ पे जाना है स्टाइल में और आपको यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग या तो आपको नॉर्मल कर देना है, यहाँ से नॉर्मल ये हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो स्टाइल है इसका शॉर्टकट की होता है CTRL+Shift+Yes, ये स्टाइल का शॉर्टकट की है। ओके, CTRL+Shift+Yes। ओके, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है फंट का। ओके, ये फंट फैमिली, तो फंड फैमिली से देखिए क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे ऊपर नाम टाइप किया टेक देव, ठीक है, मैं इसी पे करके इसको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टेक देव नाम को सेलेक्ट किया। इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है फंड फैमिली में और यहाँ पे क्लिक करके आप जो है किसी एक फंड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो मैंने आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो लिखा है इंक फ्री, इसके ऊपर क्लिक कर दिया। इसके ऊपर क्लिक करते ही आप देखेंगे तो यहाँ पे जो नाम था मेरा टेक देव ये जो है अलग लिखावट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो आप फंड फैमिली से जो है टेक्स्ट का लिखावट आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किसी दूसरे फंड के ऊपर क्लिक कर दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी लिखावट यहाँ पे जो है चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो फंड फैमिली का काम है किसी भी टेक्स्ट का लिखावट चेंज करने के लिए। ओके, फंड फैमिली का शॉर्टकट की है CTRL+Shift+
एफ फॉर फंड फैमिली। ओके, तो फंड फैमिली का शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। ओके, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दिया है फंड साइज का। तो देखिए फंड साइज के लिए आपको फिर से टेक्स्ट करना है सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है फंड साइज में। आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके अपने फंड साइज का नाम भी टाइप कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो यहाँ पे इसका एक यहाँ पे पॉइंटर भी दिया है, आप यहाँ पे भी क्लिक करके उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसके बाद यहाँ पे कोई भी एक नंबर कर लिया सेलेक्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा टेक्स्ट बड़ा हो गया। ठीक है, अगर छोटा करना तो यहाँ पे क्लिक करके छोटा नंबर सेलेक्ट करिए, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये छोटा भी हो जाएगा। ओके, या तो आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपने साइज का यहाँ पे जो है नंबर टाइप भी कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे करना है 200 या तो 100 करना है साइज। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 100, इसके बाद इंटर प्रेस कर देना है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे इसकी जो साइज है ये 100 हो गई। ओके, इसके बाद इसके राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है बोल्ड का। ओके, तो मैं जब यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा टेक्स्ट है ये काफ़ी यहाँ पे मोटा हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पर जब फिर से दोबारा क्लिक करेंगे तो ये पतला हो जाएगा, इसके बाद फिर से क्लिक करेंगे तो मोटा हो जाएगा। ठीक है, तो बोल्ड से आप किसी भी टेक्स्ट को यहाँ पे मोटा पतला कर सकते हैं। ठीक है, और बोल्ड का शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी से होता है बोल्ड। ओके, इसका एक शॉर्टकट और है CTRL प्लस शिफ्ट प्लस बी, इससे होता है बोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बोल्ड के दो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस बी और यहाँ पे है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, इससे होता है बोल्ड। ओके, इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया है इटैलिक, तो आप इस टेक्स्ट को फिर से सेलेक्ट करिए, इसके बाद आप क्लिक कर दीजिए यहाँ पे इटैलिक के ऊपर। तो जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इटैलिक से यहाँ पे जो आपका टेक्स्ट है ये तिरछा हो जाएगा। फिर से क्लिक करेंगे तिरछा, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर अपने आप जैसे पहले था वैसे हो जाएगा। ओके, तो इटैलिक का शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आई, CTRL प्लस आई, इससे होता है इटैलिक। ओके, इसके बाद यहाँ पे एक और शॉर्टकट की इसका है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई, इससे भी होता है इटैलिक। ओके, तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप बोल्ड और इटैली का यहाँ पे दो दो शॉर्टकट की है। ठीक है, इटैली का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस आई, इसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई, इसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे बोल्ड का कंट्रोल प्लस बी, इसके बाद यहाँ पे दिया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिया है अंडरलाइन। ठीक है, तो अंडरलाइन से देखिए क्या होता है। तो मैंने इस टेक्स्ट को फिर से किया सेलेक्ट, इसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया अंडरलाइन यानी कि यू के सिंबल के ऊपर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट था इसके नीचे यहाँ पे एक लाइनिंग आ गई होगी। ठीक है, तो ये है अंडरलाइन। आप यहाँ पे क्लिक करके अंडरलाइन लगा सकते हैं और हटा भी सकते हैं। ओके, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस यू। तो फिर से मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया CTRL प्लस यू, इससे होता है अंडरलाइन। इसका भी दो शॉर्टकट की है, एक है CTRL प्लस यू और इसके बाद CTRL प्लस शिफ्ट प्लस यू, अंडरलाइन। ओके, तो यहाँ पे है कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू अंडरलाइन। ठीक है, दो शॉर्टकट की इसका भी है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है अलाइनमेंट, तो मैं इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिखवा देता हूँ। ठीक है, आप लिख लीजिएगा देयर आर फोर टाइप्स ऑफ अलाइन। जो पहला अलाइन होता है उसको कहते हैं लेफ्ट अलाइन, अब इसको बोल सकते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट। ठीक है, पूरा नाम इसका है। इसके बाद यहाँ पे जो दूसरा होता है इसको बोलते हैं सेंटर अलाइनमेंट, इसके बाद जो तीसरा है इसको कहते हैं राइट अलाइनमेंट, इसके बाद यहाँ पे जो लास्ट है इसको बोलते हैं जस्टिफाई। ओके, जस्टिफाई अलाइनमेंट। ओके, तो आप यहाँ पे जो है वीडियो को रोक कर आप यहाँ पे इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, अगर चाहें आप तो। अब इन सभी का यूज करना देखिए। अब तो मैंने इस टेक देव नाम को फिर से किया सेलेक्ट, इसके बाद इसका जो साइज है थोड़ा सा कम कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका जो है 36 कर दिया। ठीक है, तो ये दिख रहे हैं आप जो टेक देव नाम है काफ़ी छोटा हो गया। ठीक है, तो अब देखिए इसका यूज करेंगे।
तो यहाँ पे फर्स्ट है लेफ्ट, तो आप देख सकते हैं जो मेरा टेक्स्ट है यहाँ पे, ये लेफ्ट में पहले से, तो अब लेफ्ट में तो होगा नहीं, ठीक है। तो अब इसको कर लेते हैं सेंटर में, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है फिर से सेंटर के ऊपर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो आप देख सकते हैं जो मेरा टेकदेव नाम है ये पूरा पूरा यहाँ पे सेंटर में चला गया। इसके बाद जब यहाँ पे क्लिक करेंगे राइट के ऊपर, तो ये राइट में चला जाएगा, और फिर यहाँ पे जस्टिफाई के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जस्टिफाई मतलब यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट वाले में चला जाएगा जहाँ से ये आया था अभी, ओके। तो यहाँ पे आप क्लिक करके सेंटर, इसके बाद राइट, इसके बाद लेफ़्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जस्टिफाई भी आप कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। इन सभी का शॉर्टकट की भी होता है, तो यहाँ पे जो दिया है लेफ़्ट अलाइन का, इसका शॉर्टकट होता है CTRL+L, ओके। इसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट दिया सेंटर अलाइन, इसका होता है CTRL+E। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है राइट अलाइन, इसका होता है CTRL+R। और यहाँ पे जो लास्ट में दिया है जस्टिफाई, इसका होता है CTRL+J फॉर जस्टिफाई, ओके। तो ये सब है इन सभी के शॉर्टकट की। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है लाइन स्पेसिंग, तो आप यहाँ पे क्लिक करके लाइन में स्पेसिंग आप दे सकते हैं, दूरी दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ नीचे टाइप कर दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया कुछ एजुकेशन, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर, ओके। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया कंप्यूटर, इसके बाद इंटरप्रेस एजुकेशन इंटरप्रेस सेंटर, इसके बाद इन सभी टेक्स्ट को किया मैंने सेलेक्ट, और यहाँ पे क्लिक करके इसको जो है थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ठीक है, ताकि आप लोग को भी दिखे यहाँ पे। अब देखिए क्या होता है इसके बाद, इसके बाद आपको करना है टेक्स्ट सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है लाइन स्पेसिंग में, और यहाँ पे आपको जो डॉट दिख रहा होगा आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है बाय डिफ़ॉल्ट इसका 1.0 होता है, ठीक है। इसकी स्पेसिंग आप चाहें तो यहाँ पे 1.5 भी कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया 1.5 के ऊपर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके बीच में यहाँ पे दूरी बढ़ गई होगी, तो मैं इसको दूसरे पेज पे यहाँ पे ले लिया हूँ नीचे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके बीच में यहाँ पे दूरी बढ़ गई होगी दोनों के बीच में। तो मैंने फिर से इसको किया सेलेक्ट, इसके बाद लाइन स्पेसिंग, और यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने 2.0 के ऊपर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में जो है दूरी बढ़ रही होगी 2.5, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर बढ़ गई। इसके बाद यहाँ पे दिया है 3.0, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर बढ़ जाएगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे 3.0 के बाद कोई कुछ भी नहीं दिया, तो आप यहाँ पे मोर के ऊपर क्लिक करके आप इसको बढ़ा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ओके। तो आप यहाँ पे क्लिक करके जो है आप इसको बढ़ा सकते हैं इसे, और ओके करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, ओके। और पहले जैसा करना है तो इस टेक्स्ट को करिए सेलेक्ट, इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है लाइन स्पेसिंग में, और इसको कर देना है 1.0। तो 1.0 आप जब करेंगे तो ये पहले जैसा हो जाएगा जैसे पहले आप टाइप किए थे, ओके। तो ये था लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है नंबरिंग, तो नंबरिंग के लिए आप यहाँ पे चाहें तो नंबर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो नंबर लगाने के लिए आपको करना है टेक्स्ट को सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है नंबरिंग के ऊपर, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आगे नंबर लग जाएगा, ओके। तो यहाँ पे 5 से स्टार्ट हुआ है, मतलब यहाँ पे जो है 1, 2, 3, 4 ऊपर यहाँ पे बन गया, इसलिए यहाँ पे 5 से स्टार्ट हुआ, ओके। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया है बुलेट्स, ठीक है। तो बुलेट्स के लिए आप फिर से इस टेक्स्ट को करिए सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद इस नंबर को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है बुलेट्स के ऊपर, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आगे बुलेट्स लग गया है, यानी कि यहाँ पे चिन्ह यहाँ पे लग गया, ठीक है। बुलेट्स का शॉर्टकट की होता है CTRL+CTRL+Shift+L, इससे होता है बुलेट्स, ओके। तो बुलेट्स का शॉर्टकट है Ctrl+Shift+L, इससे होता है बुलेट्स, ओके। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया है डिक्रीज इंडेंट, और यहाँ पे दिया है इंक्रीज इंडेंट, इन दोनों का शॉर्टकट की यहाँ पे मैं पहले टाइप कर देता हूँ, इसके बाद इसका प्रैक्टिकल करेंगे, ओके। तो मैंने यहाँ पे जो है इसका शॉर्टकट की यहाँ पे टाइप कर दिया, तो यहाँ पे फर्स्ट में दिया है यहाँ पे डिक्रीज इंडेंट, तो डिक्रीज इंडेंट का शॉर्टकट की होता है CTRL+Shift+M, इससे होता है डिक्रीज इंडेंट। इसके बाद जो यहाँ पे दिया है इंक्रीज इंडेंट, इसका शॉर्टकट की है Ctrl+M, इससे होता है इंक्रीज इंडेंट, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे जो इंडेंट लिखा है, ठीक है, ये इंडेंट है कहाँ पे इसमें, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ इंडेंट कहाँ पे, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, देख सकते हैं रूलर यहाँ पे दिया है, ठीक है। मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था रूलर के बारे में, आप अगर वो वीडियो नहीं देखें तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे भी क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं, ओके।
तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो आपको यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंटर दिख रहा होगा यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे आइकन, ओके, तो इसी का नाम इंडेंट है, ठीक है। आप जब इसको, अगर इसको आप 2 इंच पे रखें तो यहाँ पे जो आप कोई टेक्स्ट टाइप करेंगे तो यहाँ पे 2 इंच से ही ये टाइप होगा, ठीक है, आप 1 और 0 में टाइप नहीं कर पाएंगे, ओके। अगर इस इंडेंट को अगर उठाकर आप यहाँ पे 0 पे कर देंगे तो आप यहाँ पे 0 से भी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। मतलब ये इंडेंट जहाँ पर भी रहेगा आप वहीं से टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, उसके आप लेफ्ट से टाइप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है इंडेंट, ओके। तो ये था इंडेंट, और इंडेंट का शॉर्टकट की यहाँ पे मैंने टाइप किया कर दिया था कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यम, इससे होता है डिक्रीज इंडेंट, और यहाँ पे नीचे लिखा है कंट्रोल प्लस यम, इससे होता है इंक्रीज इंडेंट, ओके। तो आप चाहें तो ये सब शॉर्टकट की आप प्रेस करके आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है आउटसाइड बॉर्डर, तो मैंने यहाँ पे मान लीजिए ये मैंने जो शॉर्टकट की अभी यहाँ पे लिखा है इसको मैंने यहाँ पे किया सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसको जो है एक बॉक्स के अंदर रख दूँ, उसके लिए आपको एक करना है सेलेक्ट इस टेक्स्ट को, और फिर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है आउटसाइड बॉर्डर के ऊपर, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये बॉर्डर के अंदर चला जाएगा, ओके। अब बॉर्डर को हटाना है तो क्या करेंगे, बॉर्डर को हटाने के लिए आपको फिर से करना है टेक्स्ट को सेलेक्ट और यहाँ पे क्लिक कर देना है आउटसाइड बॉर्डर के ऊपर, ये रिमूव हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है हाईलाइट का, ओके, तो आप यहाँ पे क्लिक इसको करिए सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो है हाईलाइट कलर के ऊपर क्लिक कर देना है, तो मैंने यहाँ पे जो देख रहे होंगे यहाँ पे येलो कलर सेलेक्ट है तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट के पीछे येलो कलर लग गया है, ठीक है। अगर आप चाहें तो दूसरा भी कलर लगा सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करके दूसरा कलर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे दूसरा कलर भी लग जाएगा। अगर आपको टेक्स्ट को कलर देना है तो यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन दिया है फंड कलर का, तो आप यहाँ पे क्लिक करके फंड को अपने कलर दे सकते हैं, ठीक है, जो आप लिखे हैं। तो मैंने इसको किया सेलेक्ट, इसके बाद यहाँ पे जो है कलर को चेंज कर दिया, कलर सही नहीं लग रहा तो मैं इसको वाइट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाईलाइट कलर यहाँ पे पीछे लगा है रेड, और यहाँ पे जो फंड का कलर है ये है वाइट, ओके। तो ये था फॉर्मेटिंग टूल बार का प्रैक्टिकल वीडियो, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और पास में दिए गए बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।